तो अब खबर बल्लभगढ़ से, जहां बल्लभगढ़ में भी प्रदूषण विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है। गांव हो या शहर, नेशनल हाईवे हो या रेलवे लाइन, सभी जगह प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों की माने तो प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। रेलवे लाइन पर धुंध के कारण ट्रेनों के संचालन में भी काफी दिक्कतें आई है। बता दें कि शहर की सड़क, गाँव, रेलवे लाइन, नेशनल हाईवे और बस स्टैंड हो या आस पास के इलाके, जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है और ऐसे में धुआं रूपी जो स्मॉग है वो छाया हुआ है। प्रदूषण के कारण तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। ये आमजन के लिए बेहद ही खतरनाक है, जो इन दिनों आप लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये फॉग नहीं है बल्कि प्रदूषण के कारण फैला स्मॉग है। पिछले 3 दिन से प्रदूषण का यही हाल बना हुआ है। लोकल प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। औपचारिकता के लिए जिले में मात्र 44 लोगों पर ही पुलिस ने कार्रवाई की है। ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं है जहां जमकर पटाखे नहीं चलाए गए। पटाखों पर पूरी तरीके से बैन था, लेकिन इस बार फिर से दिवाली के 3 दिन बाद भी प्रदूषण का स्तर और स्मॉग की चादर लगातार देखने को मिल रही है आसपास के इलाकों में। और इसके साथ ही जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अब लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसके साथ ही आंखों में जलन की समस्याओं को लेकर भी लोग सामने आ रहे हैं। और इसी प्रदूषण के मामलों के बीच हरियाणा और पंजाब से पराली जलाने के मामले भी सामने आए हैं। हालांकि अगर बात की जाए दिल्ली NCR की और सटे सभी राज्यों की, तो वहां पर पटाखे पूरी तरीके से बैन थे, पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। हरियाणा में भी एक समय सीमा तय की गई थी जहां पर छठ और दिवाली के लिए उन इलाकों में पटाखे चलाने की अनुमति थी जहां पर AQI सामान्य मात्रा में था।